गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारा नया घर तैयार हो रहा है। चलिए आज हम इसको दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे वाटर कनेक्शन है, मोटर लगी हुई है, और यहाँ फ्रंट में बिजली का कनेक्शन है, पोल पे मीटर लगा हुआ है। चलो हम स्टार्टिंग से दिखाते हैं आपको कहाँ पे क्या है। यहाँ पे छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और ये अपना MCB बॉक्स। यहाँ से घर में एंट्रेंस, अभी काम नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। और ये हमारा बाथरूम है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, देख सकते हो। अभी आप यहाँ पे भी कनेक्शन करके छोड़ा हुआ है ओनली। ये हमारा ओपन किचन है। यहाँ पे भैया जी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि यार सीमेंट प्लस्तर होने के बाद ट्राई करनी पड़ती है ना। यार मेरे ऊपर पानी मत डाल भाई, फोन खराब हो जाएगा। ये हमारा ओपन किचन है, उसके बाद ये हमारा पूजा रूम। मैं दूर से दिखाता हूँ थोड़ा, ये हमारा पूजा रूम है किचन के साथ ही, और ये हमारा गेस्ट रूम है। ये पूरा गेस्ट रूम है। अभी हम दिखाते हैं आपको पीछे के दो रूम। ये हमारे पीछे के दो रूम है। एक रूम ये वाला था और एक रूम ये वाला है। नीचे दो रूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक लूबी है, एक किचन है, एक बाथरूम है, और एक पूजा रूम है। ये पीछे वाला रूम है, और ये हमारा घर का बैक साइड है, जहाँ पे हमने सोचा है कि यहाँ पे जो बैक साइड में हम क्या करेंगे, कि ये वैसे तो अथराइज होता नहीं है, बट फिर भी हम इसको बाद में बनाएंगे। यहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम और एक एल टाइप का, यहाँ पे हमने जैसे एक कनेक्शन दे रखे हैं, बाथरूम बनाएंगे। और इसके बिल्कुल फ्रंट साइड में हम यहाँ पे बनाएंगे एक छोटा सा स्टोर, जिसमें हम छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। चलो यहाँ पे ये पानी का भी रखा हुआ है हमने, जो काम करते हैं मिस्त्री उनके लिए, ताकि ठंडा रहे पानी। अभी लेके चलते हैं हम आपको सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ, दिखाते हैं हम आपको। ये मोमबी की फ्रंट विंडो है, जिसपे अच्छी डेकोरेशन करेंगे हम बाद में। एक ये लगा इधर MCB के लिए बॉक्स, और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। और ये किचन है, किचन का हमने ये ऊपर वाला एग्जॉस्ट रूम, और ये जो चिमनी से धुआं निकलता है उसके लिए छोड़वाया है। वैसे तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेम है, बट फिर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये हमारा बाथरूम है, बाथरूम में अब इन्होंने सीवरेज के पाइप डाले हैं। सीवरेज के पाइप डालने के बाद थोड़ा छोड़ रखा है, और ये हमारा हमने बाथरूम के कनेक्शन करा रखे हैं। अभी जब टूटियाँ लगेंगी, टैप्स लगेंगे, तब हम आपको एक बार, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी हम आपको एक बार दिखाएंगे। अभी हमने इसमें नीचे रोड़ा डलवाना शुरू कर दिया। ये किचन है, ओपन किचन रहेगा, ये दीवार इसमें इतनी रहेगी थोड़ा, जहाँ तक ये दो इंट लगी हैं कंप्लीट होने के बाद। और ये हमारा पूजा रूम, और ये हमारा गेस्ट रूम। चलो फ्रंट में भी लेके चलता हूँ थोड़ा, फ्रंट से भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये हमने एक पिलर खड़ा किया हुआ है, ये अभी ऊपर जाएगा और इससे एलिवेशन बनेगी। ये एलिवेशन का डिज़ाइन है, अभी एलिवेशन का डिज़ाइन थोड़ा अनकम्प्लीट है। यहाँ पे भी एक टैप लगाया हुआ है छोटा सा,
और यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, हमारे घर के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे पार्क है, एक बहुत बढ़िया पार्क है बच्चों के खेलने के लिए, शाम को ठहरने के लिए। यहाँ पे काम बहुत होना बाकी है यार, अभी तो बहुत कम काम हुआ है। इसमें भी दो रूम है, दोनों रूम में तो रोड़ी गिर चुकी है अभी। ये ऊपर से बैक है, ये सीवरेज का करके गया है वो कनेक्शन। और ये पीछे हमने रोड़ी मंगाई थी कल, वो डाली है अभी। ये देखिए जो ट्राई कर ही रहा है भाई साहब, हमारे हमारे बैंक मैनेजर भी ट्राई कर रहे हैं अभी, तो ये तो हमें भिगो ही देंगे यार। अभी चलते हैं, चलो हम लेके चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे तो अभी बहुत ही कुछ पड़ा है यार, ये दो पाइप लगा दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बाथरूम बनना है, एक सीवरेज के लिए लगा दिया हमें। अभी लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने एक टंकी भी लगाई हुई है, पानी स्टोर करके रख सके। यहाँ से हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, 30 सेक्टर कुरुक्षेत्र, 30 सेक्टर हुड्डा। अभी यहाँ पे क्या क्या बनना है मैं चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जहाँ से सीढ़ियों से चढ़े हैं, यहाँ से मोंटी बनेगी, इसके साइड में एक रूम बनेगा छोटा, और यहाँ पे जहाँ दो पाइप खड़े हैं यहाँ पे बाथरूम बनेगा। और यहाँ पे हम छोटा सा सोच रहे हैं एक स्विमिंग पूल टाइप बना देंगे, और उसके ऊपर सेट लगा के आराम से थोड़ा शाम के टाइम आराम से मस्ती कर सकते हैं, ताकि बैठ के। यहाँ पे अभी काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये हमने पाइप भी छुड़वाए हुए हैं एसी के लिए। यहाँ से हम और व्यू दिखाते हैं आपको पार्क का, कुरुक्षेत्र हुड्डा 30 सेक्टर का। ये थोड़ा सामने वर्कर्स रहते हैं यहाँ पे जो काम करते हैं घरों में। ये प्लॉट खाली है वैसे तो, बट उन्होंने किराए पे दे रखा है इनको। ये पीछे मंदिर भी हैं, पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा हो, एक बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे, मंदिर कहीं है यहाँ। और अभी यहाँ पे साइड में ग्रिल लगेगी, यहाँ बैक साइड में बाउंड्री होगी, अभी काफी काम होना बाकी है यार। अभी हम यहाँ से चलते हैं नीचे, हमने 3 पिलर छुड़वाए थे एलिवेशन के लिए, बट अभी हम इनको क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हमने एलिवेशन का दूसरा नया डिजाइन देखा है। बाकी जब कंप्लीट हो जाएगा हम आपको जरूर दिखाएंगे, बिल्कुल अच्छे से दिखाएंगे कि हमने क्या तैयार किया, क्या बनाया। बट अगर किसी का कोई सजेशन हो, किसी व्यू से कोई पॉइंट बताना चाहते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो हमें बता सकता है, हम ज़रूर उस चीज़ पे ध्यान देंगे, गौर करेंगे। अगर हमें अच्छा लगा तो हम वो चीज़ ज़रूर करेंगे। ये कई बार होता है कि कोई ना कोई कुछ अच्छा बता देता है कि हाँ ये होना चाहिए। डेकोरेशन टाइप से, एलिवेशन टाइप से, या कुछ और टाइप से कि क्या करवाना चाहिए, आप लोग हमें बता सकते हो। हमने नीचे वाले किचन में भी चिमनी का एग्जॉस्ट और अपना जो किचन का एग्जॉस्ट होता है वो वाला, धुएं वाला, वो छोड़ रखा। और ये हमने इधर बाथरूम का एग्जॉस्ट छोड़ रखा है, हमने इसको फ्रंट में नहीं छोड़ा, क्योंकि फ्रंट में छोड़ने से ये बहुत ही ज़्यादा फिर थोड़ा भद्दा टाइप का दिखता है, फ्रंट पूरा खराब सा लगता है। हमने थोड़ा सा लगा ऐसा, यहाँ पर छोड़ने के लिए बोला था उसने, यहाँ पर छोड़ने के लिए बोल रहा था वो। चलो अभी हम इसे बंद कर देते हैं, पानी को तराई होगी आज की, तो अभी देखते हैं कहाँ तक, कितनी जल्दी जल्दी से जल्दी हमारा ये ख़त्म हो जाए काम, और हम अपने नए घर में शिफ्ट कर लें। बाकी तो मैंने आपको दिखा ही दिया, लगभग सारा ही दिखा दिया है। बाथरूम में मैं अभी नीचे वाले में लेके नहीं जा रहा हूँ, ऊपर वाला बाथरूम दिखा दिया, सेम है नीचे वाला भी, क्योंकि नीचे वाले बाथरूम में बहुत सामान पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा
ओपन में है अभी पूरा, तो कोई कभी सामान उठा सकता है पीछे से रात के टाइम में ऐसा कुछ, तो इसलिए हमने एक दरवाज़ा लगा रखा है बाथरूम में टेम्परेरी, और लॉक कर रखा है उसको ताकि उसमें सामान मिस्त्री अपना रख के जा सके, हम भी अपना कुछ सामान रख सके छोटा मोटा जैसे यहाँ का होता है, जैसे मोटर वगैरह। चलो अभी हम आपको एक बार फ्रंट से दिखाते हैं। ये सामने हमारा मीटर का है, ये पानी का है, और ये हमारा रेत पड़ा है यहाँ पे। अभी क्या करें, ये अभी हम आपको फ्रंट से दिखाते हैं थोड़ा। तो बनाने में बहुत टाइम लगेगा दोस्त। तो ये जो पोल खड़ा है ये, और इस साइड में इस पोल के साथ ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, और तब जाके एलिवेशन बनेगा कुछ। वो तो बनने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या एलिवेशन बना है, तभी आप समझ पाओगे कि कितना सुंदर एलिवेशन बना है। बट अगर आप लोगों के माइंड में कुछ हो तो प्लीज़ मैसेज करना। ओके चलो थैंक यू, नेक्स्ट व्लॉग जल्दी लेके आएंगे हम आपके लिए।